समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। संघर्ष सेवा समिति द्वारा आयोजित निशुल्क 3 दिवसीय उपचार शिविर में जनपद और आसपास के लोगों को श्रृंगी चिकित्सा विधि के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है। श्रृंगी चिकित्सा पद्धति भारत की महानतम उपचार पद्धति आयुर्वेद का एक प्रकार है, जिसमें मवेशियों के श्रृंगों के माध्यम से जोड़ों, सर्वाइकल, कमर दर्द आदि समस्याओं का उपचार किया जाता है। इस वर्ष दीपावली पर संघर्ष सेवा समिति संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने संकल्प लिया था कि बहुत जल्द ही वे क्षेत्र के वृद्धजनों के उपचार के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करेंगे, जिसके लिए हरिद्वार से कुशल आयुर्वेद चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया था। चिकित्सक राजकुमार टोनी और उनकी टीम द्वारा 3 दिनों में 700 से अधिक लोगों का उपचार किया गया। डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि इस 3 दिवसीय उपचार शिविर से लोगों को लाभान्वित देखकर बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। भारत की महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के माध्यम से तुरंत उपचार भी संभव है, यह देखकर सुखद अनुभूति हुई है। लोग वर्षों से विदेशी पद्धतियों द्वारा उपचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिला है। इस शिविर में ऐसे लोगों को भी लाभ हुआ है। इस उपचार में कई राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों ने भी उपचार कराया है। कई लोग उपचार पाकर आश्चर्यचकित भी हो गए हैं। चलने फिरने में असक्षम लोग स्वयं को स्वस्थ पाकर दुआएं दे रहे हैं। यह ईश्वर के आशीर्वाद समान है। भविष्य में भी हम इस प्रकार के निःशुल्क सेवा आयोजित करते रहेंगे, जिस समय समय पर जनपद और आसपास की जनता को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति से नीलावस्थी बसंत गुप्ता, सुशांत गिड़ा, राकेश अहिरवार, संदीप नामदेव, अनिल वर्मा, पूजा रायकवार, नीतू सिंह माहौर, कौशल जहां, मोना रायकवार, उर्वशी अवस्थी आदि कई लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? प्रतिमा खरे। कहां से हैं? ग्वालियर रोड। अभी जो चिकित्सा हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छी चिकित्सा हुई है, बिल्कुल जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई बिल्कुल। कहां समस्या थी आपको? जी कहां समस्या थी, वो कब से थी? घुटने के पीछे और एड़ी की जो हड्डी होती है साइड वाली, वहाँ प्रॉब्लम। पहले इलाज कराया है इसका कहीं आपने? हाँ, सारा इलाज करा लिया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब करवा लिया। लाभ नहीं मिला था उसको? नहीं नहीं, किसी कोई भी बिल्कुल 1% भी कम। अब मिला है जी, बिल्कुल 100% लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो शिविर लगाया गया आयोजकों के लिए? और इस तरह के शिविर लगते रहना चाहिए कि आम आदमी को भी पता लगना चाहिए, प्रॉपर एड होना चाहिए कि हाँ लोग आके अपना उसका फायदा उठा सकें। आप कैसा एहसास कर रही हैं? आपका ये परेशानी आपकी कब से थी? अब थोड़ा सा लग रहा है चलने में कुछ अच्छा? हाँ, और जो इन्होंने जो ऐसा कार्य किया है संदीप भैया ने, संदीप भैया के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? यहाँ पर कोई पैसा तो नहीं लगा है? किसी ने पैसे की तो नहीं बोला? सब यहाँ पर निःशुल्क हो रहा है, यही बहुत जरूरी है। और सारी चीजों पे हम लोग कर रहे हैं सारे प्रयास है जी। बाबूजी आप बंसीधर, कहाँ के हैं? आईटीआई। क्या समस्या थी? घुटनों में दर्द था। अभी उपचार हुआ तो उससे लाभ मिला है आपको? लाभ मिला है पूरा। तो शिविर लगाया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और जो आयोजक हैं डॉक्टर संदीप सरावगी, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, शिविर लगाया गया, कितने लोग लाभान्वित हुए, क्या परिणाम आ रहे हैं? पहले दिन 100 लोग, अगले दिन शायद 200-225 लोग, और आज हमारी समझ में 350 लोगों 400 लोगों के आसपास का यह शिविर लगा हुआ है संघर्ष सेवा समिति का, एसएन टावर जोबन बाग में। सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग लोग आए, जितनी हमारी माताएं, छोटी बहनें, जी ग्वालियर से आई है, हाँ, ऐसे ही हमारे जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित है, बाहर से भी आए, बुजुर्ग सागर मोर समतल, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि सबके चेहरे पे जो खुशी देखने को मिली, इससे बहुत बड़ा हम लोगों को हर्ष हुआ। सारी हमारी संघर्ष सेवा समिति की बहनें, छोटी, सारे लोग लगे हुए हैं, और यही हम सारे बुंदेलखंड वासी, झांसी वासियों से अपेक्षा करते हैं कि अगर वास्तविकता में जीवन जीना है तो सिर्फ जीवन तब जीने को कहते हैं जब सामने वाले के चेहरे पे खुशी हो, किसी बुजुर्ग के चेहरे पे खुशी हो, किसी बहन के चेहरे पे खुशी हो, और यही आज देखने को मिल रहा है। और भविष्य में भी जिस तरह हम लोग अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं जनता की सेवा के लिए,
ऐसे ही इस बात का वादा इस बुंदेलखंड से मैं डॉक्टर संदीप सरावगी करता हूं कि भविष्य में जब भी जरूरत होगी हर माँ के लिए उसके बेटे के रूप में और पिता के लिए बेटे के रूप में, बहन के लिए भाई के रूप में, उस परिवार का सदस्य बनकर इस पूरे बुंदेलखंड की सेवा में लगातार ऐसे ही प्रयास करता रहूंगा जिससे कि सारे लोगों के चेहरे पर खुशी हो, सभी को लाभ मिल सके। और बाकी आप लोगों को सबको यह जानकारी है कि अगर वास्तविकता में कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो और उसके पास पेमेंट नहीं है, कोई बच्चा अगर वास्तविक खेल कूद में आगे उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो संघर्ष सेवा समिति में मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, क्योंकि जनहित के जितने प्रयास हो सकते हैं हम लोग लगातार वर्षों से कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इतना समाज के लिए कर रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, मैं तो इतने काफ़ी परेशान थी, बहुत इलाज करवा चुकी कमर दर्द घुटने में, लेकिन यहाँ 15 मिनट के इलाज से हमें बहुत आराम मिले, रिलैक्स मिल रहा है। मतलब कितने समय से आपको परेशानी थी? ये तो मुझे 2.5-3 साल हो गए हैं, बहुत दिक्कतें थे आज, लेकिन बहुत अभी तक लगभग आपने कितना रुपये पैसा खर्चा किया इसमें? नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 10-12 हज़ार रुपये तो खर्च कर। और अभी यहाँ पर? यहाँ पर बस निःशुल्क था, ये कैंप लगा हुआ था। अब समिति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे समिति को, संघर्ष सेवा समिति? सबको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं, जो इतना काम करते रहते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबके इतनी हेल्प करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। मेरा नाम है संदीप भैया के लिए कुछ स्पेशल? संदीप तो वैसे भी हमारा छोटा भाई है, और संदीप के जो आजकल कार्यक्रम चल रहे हैं वो सब जनहितैषी कार्यक्रम है, सब लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए और सबको फायदा उठाना चाहिए। परेशानी थी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कहाँ से आए सर आप? मैं झांसी से आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय पहाड़िया है। अच्छा अच्छा, कैसा लगा आपको उपचार? बहुत अच्छा लगा, और पहली बार हमने ऐसा ट्रीटमेंट देखा है जी। पिछले कई सालों से, करीब 12-13 साल से मुझे सर्वाइकल का पेन था। अच्छा अच्छा। और मैंने बॉम्बे में इलाज कराया, दिल्ली में इलाज कराया, और यहाँ भी मैंने फिजियोथेरेपी कई साल कराई, लेकिन उसमें कोई रिलीफ, मुझे इमीडिएट रिलीफ मिला नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, भले ही वो 20 मिनट का ट्रीटमेंट था, लेकिन उससे मुझे बहुत कम्फर्ट फील हो रहा है ना, बिल्कुल भी मेरे गर्दन अच्छे से मूव कर रही है, हाथ अच्छे से मूव कर रहे हैं। अच्छा। और मतलब बहुत अच्छा कंफर्ट फील हो रहा है। फिर जब मेरा सही हो गया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी थेरेपी है। तो मेरी माता जी को भी जी। थोड़ा सा पेन था बैक में कई सालों से उनके शोल्डर पे, तो उनको भी लेके आया हूँ मैं। अच्छा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमें अभी भी दर्द है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि 100% तुरंत थोड़ी हो जाएगा, जैसे हमारा है तो अब हमें बहुत ज़्यादा पेन था, हमारी गर्दन ऐसे घूम नहीं रही थी, अब गर्दन को मूव कर पा रहे हैं, ऐसे चारों तरफ घुमा पा रहे हैं, तो 10-5% का रह जाता है, तो वो आराम से अपने आपको उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे। आप लोगों को और क्या सलाह देना चाहेंगे? हम ये सलाह देना चाहेंगे कि संदीप भैया जी हमारे हैं, जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो इस तरह के आयोजन करवाते रहें, क्योंकि जो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मुझे खुद को नहीं पता इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट स्टिंग से किया जा रहा है। तो लोगों में जागरूकता नहीं है, और ये कम पैसों में, बल्कि ये तो फ्री में करवा रहे हैं, अगर पैसों में भी लोग करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है ये, तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि ये अभियान जो भैया ने चलाया है उसमें लगातार निरंतर उसमें कुछ काम होता रहे, ताकि लोगों को यहाँ पर उसकी जानकारी होती रहे, इलाज मिलता रहे समय समय।
ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। आए हैं, क्या प्रॉब्लम थी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? घुटनों में दर्द था, मैं ग्वालियर से आया हूँ। अब जो कैंप लगाया गया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? कैंप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं आपका कैंप, और आपका सहयोग चल रहा है। आप संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये संस्था काम कर रही है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है।